Assalamu alaikum everyone, we're back once again and now we have with us our chairman Mr. Javed Afridi. Assalamu alaikum sir, kaise hain? Assalam, kaise ho, theek ho? Sir, sabse pehle to thank you for coming to our digital show. The fans have been waiting anxiously to see you and talk to you and have an up close and personal with you. To mere paas is waqt bahut sare sawal hain Javed sahab ke liye. Meri puri koshish hogi ki jitne bhi wo answer kar saken karenge. Lekin sir, sabse pehle thoda PSL 4 ke bare mein bataein. The drafts are about to start in like 30 minutes. Kya soch hai aapki? What sort of a vision are you taking forward? Kya mission hai is dafa Peshawar Zalmi ka? Aur matlab jeet rahe hain hum ki nahi? डेफ़िनेटली एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट के साथ हमारी जितनी भी टीम मैनेजमेंट है वो आई है और हमारी यही ख्वाहिश होगी कि एक अच्छी टीम बनाएं और सिमिलरली जो फैंस के एक्सपेक्टेशन पे अगर हम पूरा उतरेंगे वो बड़ी बात है हमारे लिए. सर, फैंस हमसे एक्सपेक्ट भी तो बहुत ज़्यादा करते हैं. डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली देखो, उनको एक्सपेक्ट भी करना चाहिए. आप जिस तरीके से आपने पूरी इवॉल्विंग की है, अपनी ब्रांड की इवॉल्विंग की है, स्ट्रेटेजी की इवॉल्विंग की है, मार्केटिंग की इवॉल्विंग की है, वो एक बहुत बड़ी बात है. और सिमिलरली ट्रांसलेट किया थिंक जल पेशावर जलमी हैज़ वन ऑफ द मोस्ट लॉयल फैन बेस. आई कैन बी अ विटनेस टू दिस. चाहे पाकिस्तान हो या पाकिस्तान के बाहर, पीपल स्पेंड मनी टू बाय द मर्चेंडाइज. आगे बाहर खड़े होके कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह हम अपनी सपोर्ट दिखा सकें. नो, एग्जैक्टली. माशाल्लाह, जिस तरीके से उनकी सपोर्ट रही है पिछले 3 सालों में, इट्स अमेजिंग. और उनको मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह. और हमारी कोशिश होगी कि हम अच्छे से प्लेयर्स उसमें सेलेक्ट करें और वो प्लेयर सेलेक्ट करें कि जो पाकिस्तान आए इंशाल्लाह. जैसे कि आप सबने देखा कि हमारे चेयरमैन का यही मिशन है कि हमने वो प्लेयर सेलेक्ट करने हैं जो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान को में इंटरनेशनल क्रिकेट को प्रमोट करें. और सर, जैसे कि आपको पता है इस दफ़ा 8 मैचेस पाकिस्तान में हैं. सर, व्हाट डू यू थिंक, कितना बड़ा मौका है इमर्जिंग प्लेयर्स के लिए, इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए, पाकिस्तानी प्लेयर और ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? मैं सिर्फ क्रिकेट पे बात नहीं करता, मैं ओवरऑल अगर आप इसको देखें ना तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा. और आप इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका देखिए, सोशियो इम्पैक्ट इसका देखिए, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका जो है वो कैसे होगा और लोगों में एक एक इसका फीवर जो क्रिएट होगा मार्केट के अंदर, उससे आपको फिर अंदाज़ा होगा. इट्स नॉट जस्ट ओनली फॉर द प्लेयर्स. इट्स इसके बहुत ज़्यादा लास्टिंग इम्प्रेशन. दैट्स व्हाई वी कॉल इट इट्स अ क्रिकेटेनमेंट. इट्स नॉट जस्ट ओनली क्रिकेट. ड्राफ्ट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. आज ड्राफ्ट इवेंट है, काफ़ी अच्छी रिटेंशंस मेरे हिसाब से, काफ़ी अच्छी डिसेंट रिटेंशंस की हैं पेशावर जलमी ने. थोड़ा सा आप हमें रिटेंशंस के बारे में भी बताएं और अपनी प्री ड्राफ्ट प्रिपरेशंस के बारे में जो आप सब ने बैठ के टीम मैनेजर्स ने. मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन आपको मेरे मैनेजमेंट से पूछना चाहिए बिकॉज मेरी जीरो इन्वॉल्वमेंट होती है सिलेक्शन में. बट एनी वे आई मस्ट गिव अ क्रेडिट. अलहमदुल्ला, सो फार देखो 3 साल हो गए, 3 सालों में मेरी कोई सिलेक्शन में कोई उसमें वो नहीं है. बट अलहमदुल्ला जिस तरीके से मोहम्मद अक्रम और उसकी पूरी मैनेजमेंट, यूनस खान, ज़हीरा बास साहब वगैरह इसको मैनेज कर रहे हैं, आई मस्ट अप्रिशिएट. रिटेंशन अच्छी लग रही है. हाँ, अच्छी ज़ाहरी बात है. देखो, अकमल ने जिस तरीके से हमारे परफॉर्म किया और सिमिलर थ्रू आउट PSL और जिस तरीके से वहाब ने पैशन के साथ येलो स्टॉर्म को आगे लेके चला है, और डैरेन समी नो डाउट, और भी जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हसन अली हो गया, उसने किस तरीके से समीन गोल आल्सो टॉकिंग ऑफ यंगस्टर्स. या ज़ाहरी बात है, ही इज अ गुड टैलेंट माशाल्लाह. सर, सैमी की बात की, आज कितना मिस करने वाले हैं आप उनको, उनकी प्रेजेंस को, उनकी वो जो नटखट हरकतें करते हैं. सुबह से मैसेजेस कर रहा है कि बॉस, यू हैव टू सेलेक्ट दिस बॉय, यू हैव टू. माशाल्लाह से आपको पता है डैरेन सैमी, ही हैज़ बिकम अ सेंसेशन नॉट ओनली फॉर पेशावर ज़लमी, फॉर ऑल द पीपल ऑफ पाकिस्तान. इतना उनको चाहा जाता है, इतना लोग उनसे मोहब्बत करते हैं सर. और ये नहीं कि सिर्फ हम ही मोहब्बत करते हैं, वो खुद मोहब्बत लुटाते भी हैं. डैरेन सैमी इज़ अ फॉरएवर ज़लमी. एब्सोल्युटली सर, इंशाल्लाह. सर, कैप्टनसी के, एब्सोल्युटली कैप्टनसी के बारे में सर लोग सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया में भी आपसे सवाल हुए थे, तो सर वो अगर आप क्लैरिफाई कर देंगे. Who will be captaining Zalmi this season? Darren, what you suggest? Who will be the captain for 2019? Okay, go ahead with Zalmi. He got a message in his earpiece. Yeah. Good message from Sammy. Okay, Sammy. Roger that. We will. Yeah, Roger, we got. I just said. So we're gonna take some questions from our fans for Mr. Javed Afridi. Sir, Saif Khan keh rahe hain ki appreciate Peshawar Zalmi for the initiation of Zalmi Madrasa League. Sir, jo humne is dafa KPK mein karayi thi. वो कह रहे हैं बहुत अच्छा इनिशिएटिव था. सर, वो पूछ रहे हैं कि इसको आप पंजाब, बलूचिस्तान, दूसरे प्रोविंसेस में कब तक हम इसकी इंसेप्शन देख सकते हैं? इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ वी विल डेफिनेटली फिनिश दिस प्रोसेस.
KPK से तो हो गया बलूचिस्तान में, इसके बाद सिंध में, और इसके बाद सेंट्रल एंड साउथ पंजाब, एंड देन वी विल कम टू गिलगित एंड कश्मीर इंशाल्लाह. वेरी नाइस. विद इन 1 मंथ सर? विद इन 1 मंथ इंशाल्लाह. इट्स अ 4 डेज प्रोसेस बाय द वे फॉर 1 सिटी, लेकिन 1 महीने में इंशाल्लाह ये सारा हो जाएगा. सर, जोहा सवाल पूछ रही हैं कि Does Peshawar Zalmi plan on introducing a women's league in the future? Hello Zoha, kaisi aap? Theek hain? Khair khairiyat hai? Yes, definitely, inshallah. We are in a process, or already iska jo prospect hai, we have already signed with the KP's government, or we are starting off in January, inshallah. Yeah. Very nice. Yeah. Yeah. That's nice. So Zoha, I think you should start preparing yourself for the Zalmi Women's League trials. Hope you get selected. Yeah. And by the way, Mahira will be the brand ambassador. Very nice. And Mahira will definitely come for the I have a question also. ये क्या बात है बाकी franchises के पास उस तरह की loyalties in terms of team, their brand ambassadors and fans नहीं है. लोग छोड़ जाते हैं एक आधे season के बाद. What is the secret that you hold कि जो आ जाता है वो कहता है बस मैं यही हूँ. असल बात sincerity की होती है. जब आपकी नीयत साफ होती है तो उस पर आपके सारे मंजिल आसान हो जाते हैं. आपकी टॉप मैनेजमेंट से लेकर नीचे लेवल तक हर एक बंदे की, आप हैं, आप ये सारे हैं जितने भी हैं, इन बच्चों से आप पूछ लें तो वे दे आर वर्किंग माशाल्लाह. हमें आकाश, हु इज़ फ्रॉम इंडिया, हमारे इंडियन फैन सर कह रहे हैं ही इज़ बीन फॉलोइंग पेशावर ज़ल्मी फ्रॉम सीजन 1, और उनकी वेल विशेज आप सबके साथ हैं, एंड ही इज प्रेडिक्टिंग दैट पेशावर ज़ल्मी इज द विनर ऑफ PSL सीजन 4. सर तो आप उनको आकाश, आई नो यू मैन, यू आर फ्रॉम द इंस्टा गाय, आई नो यू. यस सर, इंस्टा भी है. वेरी नाइस. थैंक यू आकाश. आकाश आवर चेयरमैन नोज यू, ही सेज थैंक यू टू यू Akash, for what you've said to us, we're so happy that we're going to try and send you some merchandise across. Exactly. You made a beautiful across prediction. The border. Across the border. Zalmi is not only restricted to Pakistan, no. We have fans all over the world. Yes, yeah. Definitely. Thank you, Akash, for this. Yeah. Sir, lastly, koi message aap hamare Zalmi fans ko dena chahenge? Thank you so much, everyone. Keep supporting Peshawar Zalmi. It's your own team. It's not my team. It's not individual's team. It's everybody's team. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you for your time. Good luck for the draft, sir. Thank you.